नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, डायबिटीज से आजकल मैक्सिमम लोग पीड़ित हो रहे हैं और खास करके हमारी कंट्री जो है इस मामले में अव्वल है। जी हां, इंडिया जो है डायबिटीज का सबसे बड़ा कहें तो क्षेत्र है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कहीं पर अगर डायबिटीज की तो वह इंडिया में है। और इसका रीज़न है हमारा सही खान पान न होना, सही ढंग से अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करना। डायबिटीज ये तो खुद ही आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये अपने आप में कई बीमारियों का घर है। अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही घिर जाते हैं, जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल का होना आपकी बॉडी में, इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम होना आपको, यानी कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होने लग जाती हैं धीरे धीरे समय के साथ। इसीलिए डायबिटीज होने से पहले कंट्रोल करें तो सबसे अच्छा है कि अगर उसको हम होने ही ना दें, कुछ एक बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान को संतुलित मात्रा में लें, अत्यधिक मीठे का सेवन, खास करके चीनी का, शुगर का, जो व्हाइट शुगर होता है, इसका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में न करें। इसकी जगह पर गुड़ का सेवन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर शहद का। शहद में भी ध्यान रखें कि मिलावटी अभी ज़्यादातर मिलता है बाज़ार में, आपको अगर मिल पाए तो ओरिजिनल लेने की ही कोशिश करें। और सबसे अच्छा है कि आप बैलेंस रखें खाने में, न अत्यधिक मीठा खाएं और न ही अत्यधिक तीखा खाएं। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज अगर किसी को हो ही जाए तो वो क्या करें, क्योंकि है मैक्सिमम लोगों को हो चुका है, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आपको डॉक्टर को जो आपने दिखा रखा है, इंसुलिन चल रहा होगा आपका, उसको चलने दीजिए, उन दवाओं को चलने दीजिए। इसके साथ साथ आप एक देशी औषधि हम बता रहे हैं जिसका प्रयोग कीजिए, आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे नेचुरली ढंग से कंट्रोल होने लग जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी अगर आप नियमितता रखते हैं तो। पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि होममेड रेमेडीज जो भी होती हैं उनको अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए पेशेंस रख के आपको नियमित रूप से फॉलो करना होगा। इसी के साथ साथ आपको केवल औषधि लेने से कुछ नहीं होना है, आप अपने खान पान को भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई है, डायबिटीज हुई है, तो ज़रूर आपकी दिनचर्या में, आपके खान पान में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायबिटीज हुई है। उसको सबसे पहले पकड़ के, यानी कि उस रीजन को जान के और उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी हैबिट हो सकती है आपको, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हों, मसालेदार चीज़ें खाते हों, बाहर की चीज़ें खाते हों, एक्सरसाइज ना करते हों, पैदल बिल्कुल ना चलते हों, मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पाते हों, बॉडी से यानी कि आपके ऊर्जा का निष्कासन न हो पा रहा हो, ये भी एक मुख्य वजह होती है। तो इसका आप पता लगाएं, आप खुद अध्ययन करें कि आपका क्यों हो रहा है। आप खान पान सही नहीं ले पा रहे हैं, पता होता है सभी को कि हाँ ये है, प्रॉब्लम हो जाती है तब तो आपको खुद ही पता हो जाएगा कि इस वजह से हो गई है, क्योंकि इसके मुख्य कारण जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको सबसे पहले आप बंद कर दीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं तो वो बंद कर दीजिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। अगर पैदल नहीं चलते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको पैदल चलने को मिले, कुछ ज़रूर करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर से एनर्जी निकले और पसीने के रूप में गंदगी भी बाहर निकले उसी के साथ साथ शरीर से, ताकि आप स्वस्थ रहें। इसके बावजूद किसी को अगर हो गया है डायबिटीज़ तो उन्हें एक हमारे देश में मिलने वाला फूल है बहुत ही अच्छा, गड़हुल का फूल। जी हाँ, गड़हुल के फूल का आपको लाना है पत्तों को तोड़ करके। गड़हुल के फूल के पत्तियों को आप तोड़ करके लेके आइए, उनको ग्राइंड कर लीजिए यानी कि पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको क्या करना है, शाम को जब सोने जा रहे हों उस वक्त एक गिलास पानी में 7-8 पत्तियों के उस जूस को, रस को, पेस्ट को आप गिलास में डाल के छोड़ दीजिए, एक गिलास पानी में ढक दीजिए। अगली सुबह जब जगिए तो उसको पी जाइए, खाली पेट आपको पीना है। और ध्यान रखना है कि वो औषधि पीने के बाद आपको एक घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ताकि वो औषधि आपके शरीर पर सही ढंग से कार्य कर पाए, ताकि आप स्वस्थ हो जाएं। इस प्रयोग का आपको लगभग 10 से 15 दिन लगातार करना है, 2 सप्ताह कर लीजिए, 14 दिन कर लीजिए लगातार, फिर 2 से 4 दिन का गैप दीजिए, इसके बाद पुनः स्टार्ट कीजिए, फिर 10-12 दिन कीजिए, फिर आप 2 दिन का गैप दीजिए। इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखिए, आपके डायबिटीज़ का
टेस्ट हो ही रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आने लग गया, धीरे धीरे कंट्रोल भी हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से इस औषधि का प्रयोग करते रहते हैं तो। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।